स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर प्रदीप कुमार. वेलकम अगेन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मालू भालू. लेट्स स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं यूनिट 10 की फर्स्ट पोएम मालू भालू की. यह पोएम कमला बसेन द्वारा रचित मालू भालू से अंश से ली गई है और इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है संध्या राव ने, पोएटेस संध्या राव ने. तो देखते हैं इसका सेंट्रल थीम आज डिस्कस करेंगे. तो हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बियर. स्नो व्हाइट स्नो ब्राइट वाज हर नेम. मालू भालू वाज हर नेम. लेयर का अर्थ होता है मांद. पोलर का अर्थ होता है ध्रुवीय, ध्रुव पर रहने वाला ध्रुवीय. और ब्राइट चमकीला. मेन मेन का अर्थ होता है गले पर, गर्दन पर, सॉरी गर्दन पर लंबे बाल. जिस जानवरों के गर्दन पर जो लंबे बाल होते हैं उसे मेन कहते हैं. बोलते हैं कि ऊंची बर्फीली चोटी पर मांद में एक छोटा पोलर बियर बेबी रहता था अपने पेरेंट्स के साथ, ध्रुवीय भालू. स्नो व्हाइट बर्फ की तरह सफेद और चमकीले उसके गर्दन पर जो बाल थे वह ऐसे थे, चमकीले थे, बर्फ की तरह सफेद थे. और मालू भालू उसका नाम था. वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स वेयर हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल. मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. बहुत सून. सून का अर्थ होता है बच्चों जल्दी, बहुत जल्दी हमारी मालू भालू जो थी वह हर चीज अपने पेरेंट्स से सीख गई थी, अपने माता पिता से सीख गई थी जो वे जानते थे. फिश टू कैच मछली पकड़ना, बड़ी और छोटी कैसी भी हो वो सीख गई थी मछली पकड़ना. मालू एक क्लेवर, क्लेवर का होता है होशियार, चतुर, क्लेवर जो एक मालू एक होशियार बच्ची थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे. माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. फार का अर्थ होता है बच्चों दूर. मालू ने अपने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ मैं दूर खेलने जा रही हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. वह बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उस समुद्र में जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान मिल रहा है उससे आगे मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं वहां पर. A little patience, child said mom. उसकी माँ कहती है कि थोड़ा धैर्य रखो. और in the summer when next it comes, और जब अगले साल गर्मियां आएंगी तब जाना. Summer, patience, what a test. मालू simply could not rest. गर्मियों में गर्मियां, patience धैर्य, ये कैसी परीक्षा है. मालू जो है वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी तो वो बोलती है कि मैं गर्मियों तक कैसे धैर्य रखूं. तो वह बहुत उत्सुक थी. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लैस्प मालू टाइट विद इन हर आर्म्स. देन शी सेड हर वॉइस वॉज फर्म. नाउ माई डियर यू ऑल यू विल हैव टू स्विम. उसकी माँ उसको कसकर बाहों में पकड़ लेती है और कहती है, और जो जब वो कहती है तो उसकी आवाज जो है वो स्थिर होती है, दृढ़ होती है, बल्कि स्थिर आवाज में कहती है कि बेटा माय डियर प्रिय तुम्हें पहले तैरना होगा. बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर. बट माँ मालू कहती है कि परंतु माँ मैं क्या जानती हूँ कैसे करूंगी, मैं पहले कभी तैरी ही नहीं हूं. डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर. डू एज आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज्ड हर. बच्चों एडवाइज्ड का अर्थ होता है सलाह देना, वरी का अर्थ होता है चिंता. तो मालू की माँ कहती है कि बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं करती हूँ वैसा तुम भी करो. वह सलाह देती है कि जैसा मैं करती हूँ तुम भी वैसा करो. शी हैड नो चॉइस नो अदर वे. अब मालू के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था. चॉइस होता है विकल्प, वे होते हैं, वे होती है, वे का मीनिंग होता है रास्ता. उसके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था. मालू हैड टू स्विम दैट डे. और मालू को उस दिन तैरना ही पड़ा.
tight she gripped her mother's hand into the water, splashed to land. उसने अपनी माँ के हाथ को टाइट कसकर ग्रिप्ड पकड़ लिया, एक पकड़ बना ली, माँ के हाथ को ग्रिप कर लिया. इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड, और पानी में छप छप करके वो तैरने लगी और उसके जो छींटे थे वो जमीन पर आने लगे और छपाक छपाक करके जो पानी में वो हाथ पहुंच लाने लगी. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर. मालू स्वयं विद ऑल हर माइट, इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट. ब्रेव होता है साहसी, तो ब्रेव माँ की वो ब्रेव बेटी थी. डाउट का अर्थ होता है शंका, फियर का अर्थ होता है भय. तो सभी प्रकार के जो शंकाएं भय थे उसने पीछे रख दिए और मालू जो है पूरी ताकत के साथ तैरी. माइट का अर्थ होता है ताकत, शक्ति, पूरी शक्ति के साथ तैरी और अंत में चाहे वह गलत चाहे वह सही तैरी पर उसने पूरी ताकत लगाई और अंत में बट स्विमिंग केम सो नेचुरली. और जो से स्विमिंग थी, जो तैरना था वो एकदम से नेचुरली ही आ गया. उसकी माँ यह जानती थी कि वह ऐसा कर सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि जो मालू है वो फियरलेस है. फियरलेस का होता है निडर और नॉट जस्ट ब्रेव, केवल ब्रेव ही नहीं, केवल साहसी ही नहीं, वह उससे भी स्पेशल थी, उससे भी विशेष थी. तो बच्चों अब यह हमने इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया. इसे बार बार सुने आप, बार बार ध्यान से देख सुने और इस वीडियो में जो मीनिंग बताए गए हैं उनको भी आप सुन लें और उसके बाद हम इसकी वर्कशीट डिस्कस करेंगे. तो आइए वर्कशीट डिस्कस करते हैं. प्यारे बच्चों वर्कशीट में आपको जो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद योर राइट मीनिंग गिवन इन द कॉलम बी. यहाँ पर हमने आपको सॉल्व करके दिए हैं, आपने यहाँ से देख लेने हैं और वर्कशीट में आपने खुद से करने हैं. जैसे आईसी का अर्थ होता है बर्फीला, लेयर का मीनिंग मान, मेन का मीनिंग जानवर की गर्दन पर लंबे बाल या अयाल, ब्राइट का मीनिंग चमकीला, क्लेवर का मीनिंग चतुर, क्लैस्प का मीनिंग कसकर पकड़ना, फर्म का मीनिंग स्थिर, स्प्लैश का मीनिंग छप छप की आवाज, स्पेशल का मीनिंग विशेष. तो बच्चों आपने सारे मीनिंग यह ढंग से याद कर लेने हैं और वर्कशीट पर खुद से करने की कोशिश करनी है. डियर स्टूडेंट्स, अब वर्ड मीनिंग के बाद अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 172 पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली. द पोलर आंसर होगा द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विद हर फैमिली. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. आंसर, मालू लर्न टू कैच फिश एंड स्विम फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू लर्न टू कैच फिश एंड स्विम फ्रॉम हर पेरेंट्स. क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रेवल. आंसर, मालू वॉन्टेड टू गो फार आउट टू प्ले. क्वेश्चन नंबर फोर, वट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न. मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न स्विमिंग. क्वेश्चन नंबर फाइव, वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम. Did she learn it easily? Yes, Malu was little scared to swim, but she learned easily. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for in the last two stanzas of the poem? Question number 6 hai bachcho. Read the last two stanzas of the poem. Whom does she stand for the last two stanzas of the poem? Answer hoga. In the last two stanzas of the poem, she stands for Malu's mother. तो बच्चों आपने यह वर्कशीट जो है आपको सॉल्व करके दी गई है वीडियो में. अब आपको जो वर्कशीट अनसॉल्व आएगी वो आप इजिली कर सकते हैं यहाँ से हिंट लेकर.